एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे मेहमान बन गए आप की तारीफ में क्या कहें आप हमारी जान बन गए आप हमारी जान बन गए आप ही रब आप ईमान बन गए आप हमारी जान बन गए से मिला एक आयान बन गए ख्वाबों का मेरे मकान बन गए आपकी तारीफ में क्या कहें आप हमारी जान बन गए मैं तुझे कब से फोन कर रही हूँ तू फोन ही नहीं उठा रही ओ लगता है मेरी हीना आज बहुत जल्दी सो गई थी हाँ वो पता ही नहीं चला कब आंख लग गई भाभी आपको पता है अरे फिर वही सपना देखा था बहुत दिनों बाद आया ना वो सपना ही मैंने लगता है कि ये बाबा जी का संकेत है तेरी जिंदगी का असली साथी वो ख्वाबों वाला शहजादा अब वो तुझे मिलने वाला है भाभी मुझे लगता है कोई मुझे आवाज दे रहा है मैं बाद में बात करती हूँ चल अपना ध्यान रखना हाँ बाय फोन काट दिया तूने बिना मेरी बात करा यार कितने दिन से मेरी बात नहीं हुई उससे क्या कह रही थी वो गुरमीत तुझे बड़ा इंटरेस्ट है जानने का कि हीर और मेरी क्या बात हो रही थी ऐसी कौन सी बात है अरे मुझसे क्या छुपाना है बता तो तूने एक बात के पीछे पड़ गया बताया तो मैंने अच्छा रहने दे मत बता पहले तो पापा जी मुझे पराया फील कराते थे अब तू भी करवा ले कोई बात नहीं रहने दे गुरमीत अच्छा ठीक है मैं तुझे बताती हूँ लेकिन तुझे ना मेरे साथ एक वादा करना पड़ेगा कि ये बात तू ठंडे दिमाग से सुनेगा अरे हाँ यार कभी तूने देखा है मुझे हीर पे अपना दिमाग गर्म करते हुए गुरमीत बात यह है कि हीर के सपनों में ना एक लड़का आता है उसने आज तक सिर्फ उसकी आंखें देखी है चेहरा नहीं देखा बस यही बात तो वो मुझे फोन पे बता रही थी कि भाभी आज बहुत दिनों बाद वो लड़का उसके सपने में फिर से आया था मुझे लगता है ना कि बाबा जी का कोई संकेत है हमारी हीर की जिंदगी में अब खुशियां आने वाली है और तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने तानिया को सुंदरी बनने को कहा हो ओए गुलदस्ते मैं तेनू की दसा और जबरदस्ती गले पै गई है मेरे ओ लेकिन तू टेंशन ना ले ओ मेरे पास ना एक आइडिया है ओ हीर जी को सुंदरी बनाने का सुन सारे लोग चौंक जाएंगे जब ऐन वक्त पे हीर जी सुंदरी बन के स्टेज पे आएंगे
वाह जी वाह, कमाल कर देता। और सजावट तो बड़ी बढ़िया की है आपने। और ये क्या है? वो झूमर वाले झूमर देकर गए थे पाजी। अच्छा, तो देखो जरा, बाकी की सजावट के साथ मिलना भी तो चाहिए ना, है ना? बड़े लोग बढ़िया जीते। तेजी ने कुछ ड्रामे के लिए कपड़े मंगाए, एक बार पहन कर देख ले तुझे फिट भी आ रहे हैं या नहीं। क्या बात है, बड़े प्यार नाल गल कर रहे हो आज। अभी जाता हूं मैं। तेरी आरती उतारू मैं या कुछ और काम कर ले? हाँ। तानिया की जगह हीर को लाने का इस जट का प्लान बहुत महंगा पड़ने वाला है इसे। हीर तो मरेगी लेकिन उसकी मौत का इल्जाम भी इस जीते पर ही आने वाला है। तो ठीक है, आज के बाद बादशाह के लोग आपकी किसी बेटी को तंग नहीं कर सकते, ये दुल्हे का वादा है। नहीं 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 पापा जी, ऐसे नहीं। तो कैसे पुत्र? मैं बताती हूँ, थोड़ा सीना चौड़ा करके वीर रस में। ये पट्टी वाले दूल्हे का वादा है आपसे। ये पट्टी वाले दूल्हे का वादा है आपसे। यस, बिल्कुल सही, ये हुई ना बात। जीते, तुझे तेरी लाइन याद है भी या नहीं? कैसी गल्ला कर रहे हो हीर जी? हाँ जी याद हुई है, सुनिए। ओ जिंदगी दे सारे मजे मैं तेरे नाल वेखे हैं सुंदरीए, और हुण आपा दोनों बीच कोई नहीं आ सकता। आप आई थी लाइन तुम्हें मुझे हक्का क्यों बोलनी चाहिए? हैं? क्या करके बोलनी चाहिए? मैं बता दूं। अच्छा, देखो तानिया जी, वो सारा ड्रामा ना परिवार के सामने देखने वाला है, ऐसी चीजें नहीं कर सकते हम वहां पे। जीते तू अभी भी मजाक ही कर रहा है, हमारे पास आधा घंटा भी बचा नहीं है। तू एक काम कर, इधर आ, मेरी तरफ देख और अब बोल बोल। जिंदगी दे सारे सपने मैं तेरे नाल वेखे हैं सुंदरी, हुण आपा दोनों बीच कोई नहीं आ सकता। कैसी लगी मेरी एक्टिंग आपको? वाह जीते, तुम फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? कितना अच्छा डायलॉग बोला ना, तुम नेचुरल एक्टर। चाची चाची, 9 बजे से पहले वीडियो अपलोड नहीं किया तुम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। टेंशन मत लो सिमी, 9 बजे के पहले आपका असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा। 9 बजते ही उसकी मौत का संदेश लाने वाले हैं। इस झूमर के गिरते ही इस घर के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी की रोशनी भी हमेशा के लिए चली जाएगी। हीर, हीर, जिस दिन से तुम इस घर में आई हो मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। हैप्पी लोरी। जनेल जी, इसकी क्या जरूरत है, मैं बच्ची थोड़ी ना हूं। कोई बात नहीं, मैं तो बड़ा हूं तुझसे, ले ले, चाहे उनको मना नहीं करता। थैंक यू। उस घड़ी के कांटों में अपनी मौत की उल्टी गिनती जरूर देख लेना है। अगर मेरा ब्याह तोड़े नाल नहीं हुआ ना, तो सतलुज में कूद के मैंने अपनी जान दे देनी है जीते। तान्या जीता नहीं,
हमारे हीरो को राजकुमार बुलाना है। ओ गॉड, ये लाइंस कितनी कंफ्यूजिंग है। एक काम करो, मुझे ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है राजकुमार जी। अगर मेरा विवाह आपके साथ नहीं हुआ तो सतलुज में खुद की जान दे देनी है मैंने अपनी। और जिंदगी के हर इम्तिहान की तरह इस इम्तिहान में भी आपने पास ही होना है हीर जी। हर रंग तो आपकी जिंदगी में मैं जरूर वापस लेकर आऊंगा। जीते अब तेरी लाइन है, तू बोल। ओ जी, ओ हीर जी, वो आप ताने जी की प्रैक्टिस करा रही थी ना। अजी, ये सबके कपड़े तैयार हैं, एक बार देख लीजिए। ओ टेलर जी, ओ कब से मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, ओ बड़ा चंगा आया आगे से। वही सेकंड, ओ पाजी मंजी लेके आना, रख दो। कलरफुल कॉस्ट्यूम है, आज तो इंटरनेट ब्रेक कर देना है। ओ तान्या जी, मुझे लगता है कोई आपको ना बड़ा जोर से याद कर रहा है। जी, याद करने की वजह कोई मेरी लाइन से याद कर लेता। तान्या, क्या हो गया अचानक? तुम शाम तक तो ठीक थी। क्या हुआ पुत्र? ये यहाँ कोई आसपास मूंगफली खा रहा है क्या? तान्या को पीनट से बहुत एलर्जी है, अगर आसपास मूंगफली आई ना तो इसकी छींके नॉन स्टॉप चालू हो जाती है। हाय रब्बा, अब ये छींके नहीं रुकने वाली। ओए गुलदस्तिया, ओ मुझे पता चला है कि जो तान्या जी है ना, वो उन्हें मूंगफली से छींके आने लगती हैं। इतनी सी बात तो उनसे कह दीजिए कि मूंगफली ना खाया करे। ओए खोतिया, और मेरे कहने का मतलब ये है कि इसी बात का फायदा उठा के हमें और तान्या जी को ड्रामे से बाहर और हीर जी को सुंदरी के किरदार में लेकर आना है। और तुझे बस एक काम करना होगा, उनके जो कपड़े हैं ना उस पे तुझे वो मूंगफली वाला मक्खन और क्या कहते हैं उसे, ओ हाँ, ओ पीनट बटर लगा के भेजना होगा। लेकिन पाजी, तान्या जी को कोई ज्यादा तकलीफ हो गई तो? और शुभ शुभ बोले खोतिया, क्यों तकलीफ होगी? ओ, मैंने पता किया, जो पीनट बटर होता है ना उसका असर थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद छींके आनी बंद हो जाती हैं। ठीक है, चल फोन रख। तान्या, तान्या, चलो मैं तुम्हें एलर्जी की दवाई दे देती हूँ, आओ। नो 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 नो, दीदी दीदी उसे खाने से तो और भी ज्यादा नींद आती। हम पानी गर्म कर दे स्टीम के लिए। हाँ, ये ठीक है, चल। अच्छा, इसकी हालत तो बहुत खराब हो गई है, मुझे नहीं लगता कि ये सुंदरी का कैरेक्टर प्ले कर पाएगी। तेजी भाभी, वो तो बहुत बड़ा मसला हो गया। अगर तान्या जी सुंदरी नहीं बन पाई तो फिर ऐसा कौन है जिसे सारी लाइनें याद हो, जिसे एक्टिंग भी आती हो? ऐसा कौन हो सकता है हीर जी? हीर जी, हीर पुत्र, अब तू ही कर ले। नहीं पापा जी, मैं कैसे कर सकती हूँ? करना तो तुझे ही पड़ेगा। प्लीज चाची, हमारा असाइनमेंट कंप्लीट कैसे होगा? और आप तो डायलॉग भी बहुत अच्छे बोलती है। सनी, नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं आता। अब ये क्यों नखरे दिखा रही है? अगर ये सुंदरी नहीं बनी तो वो झूमर इस पर गिरेगा कैसे?
से क्या चला? मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी। अरे कैसे नहीं होगा, तुमने तो बच्चों के लिए मम्मी जी तक को मना लिया और अब तुम बोल रहे हो कि तुम नहीं कर पाओगे। आधे घंटे की बात है, प्लीज मान जाओ ना। देखो मुझे कुछ नहीं सुनना है, जाओ जाके सुंदरी का कॉस्ट्यूम पहनो और जल्दी से रेडी हो जाओ, आधे घंटे के बाद सब हो जाएगा। किस बेवकूफ ने रस्सी की गांठ खोल दी थी? ये झूमर मीर के अलावा किसी और पे नहीं कर सकता। क्या हो गया जनरल? इतनी ठंड में इतना पसीना है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ मैं ठीक हूँ मामी जी, बस वो ये एक्टिंग इसी का स्ट्रेस है। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर बच्चों का ड्रामा कंप्लीट नहीं हुआ तो उनका दिल टूट जाएगा। ले ड्रामा क्यों नहीं होगा भाई, इतनी प्रैक्टिस की है तुम लोगों ने। तान्या मम्मी जी तान्या, उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, अब वो सुंदरी नहीं बन पाएगी। और अगर किसी को अच्छे से डायलॉग्स आते हैं तो वह सिर्फ हीर, लेकिन हीर भी सुंदरी बनने से मना कर रही है। जी देखो ना, वो बच्चों के चेहरे कितने उदास पड़े हैं। वहीर जी, वो अगर आज हमने ड्रामा नहीं किया ना तो हमारी सारी मेहनत बेकार जानी है। और इनकी खुशी के लिए तो मान जाओ ना। जीती लेकिन तू समझ क्यों नहीं रहा है? मेरी मम्मी जी को बहुत समझाने के बाद वो लोरी मनाने के लिए तैयार हो गई है। अपनी मर्जी के ऊपर बच्चों की खुशियों को रखे उन्होंने बड़प्पन दिखाया है, और मैं ऐसे रंगीन कपड़े पहन के इनका दिल तो नहीं दुखा सकती। इस घर की तरफ मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। अब तो रुक, मैं देखती हूँ कि तानिया की तबीयत ठीक हुई है कि नहीं। ओहीर जी, वो माना कि इस घर का कानून है, वो क्या आप रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती? वो लेकिन इन मासूम बच्चों का दिल तोड़ना, वो ये तो इस घर का कानून नहीं है ना। आंटी जी, वो छोटा मुंह वड्डी गल कर रहे हैं। वो आपने इस घर में लोहड़ी मनाने की तो इजाजत दे दी है, इससे यही पता लगता है कि आपका दिल कितना बड़ा है। और लेकिन आंटी जी, अगर आज इस घर में ड्रामा नहीं हुआ ना तो सवेरे ना बच्चों के स्कूल में उनका ड्रामा बन जाना है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आज सवेरे से वो जिस जोश और उत्साह के साथ वो तैयारी कर रहे थे ना, वो सारी ना मायूसी में बदल जानी है। आंटी जी, वो मेरी आपके सामने हाथ जोड़ के विनती है, वो आप ही हीर जी से कहिए ना
कि आज के ड्रामे के लिए सुंदरी बन जाए। वो ना आपका दिल दुखाने से ना बहुत ज्यादा डरती है, उसके हमारी बात तो मानेंगी नहीं, वो आपकी बात मान जाएंगी। कह दो ना। दादी सिर्फ आधा घंटा बचा है, तो प्लीज चाची से कहिए ना कि वो सुंदरी बन जाए। दादी प्लीज मान जाइए। तेरे कानून बच्चों की खुशी से बड़े हैं क्या राजविंदर, मान जा। बस आधे घंटे की तो बात है मम्मी जी, उसके बाद ही सफेद कपड़ों में वापस आई जाएगी। आंटी जी कह दो ना चाची से कहिए ना बस आधे घंटे की तो बात है क्या राजा, मान जा। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। इसका मतलब चाची ही सुंदरी बनेगी ना? चाची जल्दी से रेडी होकर आइए, जाइए जाइए प्लीज। क्या पुत्र? चाची जाइए, सिर्फ 25 मिनट बाद।